क्वेश्चन नंबर 99। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12, ठीक है। एंड इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, द फ्रैक्शन बिकम 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, सो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। हमने मान लिया कि किसी भी एक फ्रैक्शन अपने पास जिसका न्यूमरेटर है एक्स और डिनोमिनेटर है वाई, ठीक है। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, फ्रैक्शन हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 12 है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या बोला, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम 1/2। मतलब ये जो अपने पास फ्रैक्शन है, सॉरी ये एक्स अपॉन वाई हुआ है ना, एक्स न्यूमरेटर है और वाई डिनोमिनेटर। सो ये जो अपने पास फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई, इसमें अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देते हैं 3 से, मतलब प्लस 3, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2, ठीक। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 6 इक्वल टू वाई, सो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन सेकेंड। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, और इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। प्लस वाई से माइनस 6 क्या हुआ, कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है, x प्लस y इक्वल टू 12, इसमें x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 12 माइनस 2 जो भी होता है 10, तो हेंस y इक्वल टू 10। सो फ्रैक्शन अपने पास क्या आया, फ्रैक्शन अपने पास आया x अपॉन y मींस 2 अपॉन 10, तो दिस इज द फ्रैक्शन।